शेयरिंग द जर्नी के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु कोलकाता से और आज मैं हूं कार कैसल में। कार कैसल जो है एग्जैक्टली ये आप देख ही रहे, पूरा एड्रेस या बाकी क्या क्या है इन्फॉर्मेशन कार कैसल रिलेटेड और आपको क्या क्या मिलने वाला है कार कैसल में, ये भी आपको एक बार पूरा एकदम वीडियो शूट करके मैं दिखाता हूँ, तो आगे और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के लिए कि क्या क्या अवेलेबल है और किस लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये है कार कैसल का ऑफिस जो है न्यू टाउन में। एग्जैक्टली ये शाहपुर जी के नज़दीक में है। आपको स्क्रीन में ऑलरेडी नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा ज़्यादातर प्री ओन्ड कार्स, ऐसे बहुत सारा और भी सर्विस है जो कार कैसल प्रोवाइड करते हैं, उस बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे क्योंकि अभी तो बस जर्नी शुरू हो रहा है हम लोगों का कार कैसल के साथ। तो अभी पहले जो है कार कैसल का मैं आपका एड्रेस, ये एकदम शाहपुर जी के नज़दीक में ही है। अगर आप शाहपुर जी आते हैं तो शाहपुर जी में पेट्रोल पम्प जो है वहाँ उतर के बस वॉकिंग डिस्टेंस है, पाँच मिनट भी नहीं है। तो ये है कार कैसल का पूरा नंबर्स, ये नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब नंबर में देखिए लास्ट 41 ऑलरेडी 041714 लास्ट 6 डिजिट जो है एकदम सेम है, तो इट्स अ गुड थिंग। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे भी फ़ोन नंबर्स लाइक कुछ अलग हो तो अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं गाड़ी में, यहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज यहाँ का जो ओनर है भैया से आज हम लोग का मतलब कोई अपॉइंटमेंट नहीं था इसलिए मिल नहीं पाया, तो मैं फिर भी एक आपको नंबर दे दे रहा हूँ या फिर आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्री ओन्ड कार चाहिए। ये शाको भैया का नंबर है जो यहाँ का मैनेजर है। ये पूरा एड्रेस साथ ही साथ ये देखिए आप यहाँ इन लोगों का जो एग्जैक्टली फेसबुक पेज है, साथ ही साथ वेबसाइट है, आप इसमें भी जा सकते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कार कैसल में ये पहले आपको बताते हैं। गाड़ी यहाँ सेल होता है, ये लोग पुराना गाड़ी भी खरीदते हैं, गाड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं, आरटीओ का जितना भी पेपर रिलेटेड वर्क है वो सब आप कर सकते हैं, फिनेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया, फिर भी आप देख लीजिए। तो ये अभी कार कैसल का जो स्टॉक है वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि अभी क्या क्या कार अवेलेबल है। लगभग मेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कार ऑलरेडी दिख रहा है। तो शुरू करते हैं। तो ये है शेवरले बीट LS। शेवरले हम लोग जानते हैं कि कंपनी जो है ऑलरेडी इंडिया से चला गया, मगर इंडिया में प्रोडक्शन होता है बाहर दूसरा कंट्री के लिए, इंडिया में इन लोगों का सेल्स का कुछ काम नहीं होता है। मगर ये बीट काफ़ी प्यारा कार था एक टाइम में, बहुत ही अट्रैक्टिव था। आज से सोचिए कि कम से कम 6-7 साल पहले का बात है उस टाइम में। तो जो शेवरले बीट है वो अवेलेबल है यहाँ अभी। अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्राइस है या फिर आपको अगर लेना है या फिर गाड़ी के बारे में और डिटेल्स, गाड़ी में कुछ काम हो रहा है देख रहे हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी है तो काम आपको रिपेयर करके प्रोवाइड किया जाएगा गाड़ी। तो अगर आप शेवरले बीट में इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोगों को। स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हुआ है उस नंबर में एग्जैक्टली कार कैसल का वहाँ से आपको मिल जाएगा डिटेल्स। तो ये था शेवरले बीट। इसके बाद हैचबैक के बाद हम लोग आते हैं सीडान में। ये देखिए ये पूरा सीडान हम लोग के साथ में खड़ा हुआ है, चमचमाती हुई सीडान। लग रहा है सेकेंड हैंड कार का पूरा एकदम हम लोग मतलब मेन जो स्टॉक है वहीं हम लोग आ गए और उस हिसाब से ये भी शेवरले का है। तो सीडान सेगमेंट में इंडिया में मार्केट जो है एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है अभी क्योंकि लोग एसयूवी की तरफ मूव कर रहे हैं, मगर अगर कंफर्ट में देखा जाए और लुक में देखा जाए तो सीडान इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसा गाड़ी चाहिए जो ऑलरेडी मुझे 5 साल और मैं ड्राइव करूँ और जिसमें अच्छे से मुझे कंफर्ट मिले, तो आप इस सीडान के लिए आप जा सकते हैं। ये भी शेवरले का ही है, मैं पीछे से आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ पूरा। ये देखिए गाड़ी पूरा कितना, गाड़ी का एग्जैक्ट जो बाहर का कंडीशन है, थोड़ा सा मतलब गंदा है, धुला नहीं है, तो धुल जाएगा तो ये गंदगी जो है ये सब हट जाएगा, या फिर छोटा मोटा जो भी काम है वो हम लोग यहाँ से करवाने के बाद ही आपको देते हैं। तो इसलिए आप लोगों अगर कहीं कुछ देखे कि गाड़ी में थोड़ा बहुत यहाँ टचअप या फिर कुछ है तो जो है वो हो जाएगा काम, उसके बाद ही यहाँ से डिलीवर होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा चेक पॉइंट्स है। ये शेवरले शेल है और LS और पूरा इसमें
करा है, तो थोड़ा बहुत दो टचअप या फिर दूसरा भी जो भी होता है वो सब कुछ किया जाता है। देखिए यहाँ एक गाड़ी का पॉलिशिंग हो रहा है ऑलरेडी, मैं आगे आता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ है मारुति रिट्ज़, हैचबैक में एक वन ऑफ द मोस्ट एट्रैक्टिव कार, एक टाइम में ये इंडिया में बहुत हुआ था, मतलब बहुत सेल हुआ था इसका। और साथ ही साथ गाड़ी का अगर आप पीछे देखेंगे इसमें, द बेस्ट थिंग इज़ दैट इसका पीछे का जो लुक है ये यूनिक है। हम लोग इंडियन मार्केट में देखेंगे ये लुक जो है दूसरा कोई गाड़ी में ये लुक प्रोवाइड नहीं किया है। एग्जैक्टली ये यूरोपियन स्टाइल है जो रिट्ज़ में ही आया था, और उसके बाद भी ज़्यादातर कोई गाड़ी इसको मतलब फॉलो नहीं किया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। छोटा गाड़ी है, आपको पार्किंग के लिए भी आपको आसानी होगा, साथ ही साथ आप जहाँ चाहे वहाँ जा भी सकते हैं। सेकेंड हैंड कार में आपको बहुत डिस्काउंट भी मिलेगा, और गुड फॉर ए फैमिली और गुड फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ये है फोर्ड फिगो, फोर्ड फिगो का ये फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि ये जनरेशन अभी रहा नहीं, अभी फोर्ड फिगो जो है वो मॉडिफाइड हो गया। तो इस टाइम में जो आया था ये लगभग मारुति 800 का एक बहुत बड़ा कंपटीटर हुआ करता था उस टाइम में। तो फोर्ड फिगो का भी आप देखेंगे, ब्लैक फोर्ड फिगो, ये कौन सा टाइटेनियम या ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। नहीं, यहाँ कुछ बैजिंग नहीं है, तो गाड़ी पूरा एकदम अच्छा रफ एंड टफ कंडीशन में है। साथ ही साथ गाड़ी में अभी भी मतलब जो गंदा होके रखा है वो थोड़ा यहाँ कवर नहीं है, इसलिए तो ये क्लियर हो जाएगा जब डिलीवरी का टाइम, जो छोटा मोटा काम होता है या फिर जो भी धुलाई होता है। ये आप देखिए, ये तो हर टाइम का फेवरेट है, ये है अर्टिगा। अर्टिगा मारुति का ऐसा गाड़ी है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। XLS 6 आ गया है, मगर फिर भी अर्टिगा का जो डिमांड है वो रह गया है। 7 सीटर कार है, पूरा बड़ा फैमिली जो है उन लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप ये अर्टिगा VXi है तो काफ़ी कंफर्ट है इसमें, साथ ही साथ ये लंबा भी है, इसमें बैठने का भी मतलब 7 जन बैठने के आराम से बहुत जगह प्रोवाइड होता है। तो इस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो अर्टिगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस बड़ा फैमिली के लिए। इसके बाद आते हैं, ये है टोयोटा का सेडान्स। अच्छा, होंडा भी है, टोयोटा भी है, साथ साथ निसान भी है, महिंद्रा भी है, सब अलग अलग कंपनी का आपको दिखा रहा हूँ। तो गाड़ी का एग्जैक्ट प्राइस अगर जानना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं चक्को भैया को, जो नंबर मैंने एग्जैक्टली आपको दिखाया हूँ। एक बार गाड़ी का हालत देख लेते हैं पूरा, साथ ही साथ ये अल्टिस का कौन सा वर्जन है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये टोयोटा अल्टिस है, देखिए पीछे डिफ्रॉगर भी है, तो अच्छी तरह से इसको बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, रखा भी गया है। गाड़ी भी काफ़ी मतलब मतलब थोड़ा सा ये 0653945, अच्छा ठीक है, गाड़ी काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ स्क्रैच या फिर ऐसा कुछ गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। देख ही सकते हैं आपके सामने गाड़ी कितना अच्छी तरह से रखा गया है। बगल में है आपका होंडा, होंडा का जो मार्केट है सेडान में वो इंडियन मार्केट में बहुत साल से होंडा चल रहा है, और बहुत साल से ही होंडा का जो ये एक्टिविटी मतलब ये है इसको कोई भी बीट नहीं कर पाया। ये आपका एग्जैक्टली IVTEC है, अच्छा पेट्रोल ही है, 1.8S पेट्रोल इंजन है, अलॉय व्हील्स है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो गाड़ी एकदम पूरा चमचमाती हुई वाइट कलर का है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये जो लुक था, ये जो डिज़ाइन है, एग्जैक्टली आज भी इंडियन मार्केट में होंडा का डिज़ाइन अलग से, हर कोई जिसे भी गाड़ी से प्यार है उसको पता है कि होंडा का जो डिज़ाइन होता है वो अलग होता है हर टाइम। आप चाहे जैज देख लीजिए या फिर कोई भी सिटी देख लीजिए, तो सब में ही आपको पता चल जाएगा कि होंडा का जो एग्जैक्टली कलेक्शन होता है या फिर गाड़ी का डिज़ाइन होता है वो अलग होता है हर किसी से। तो ये होंडा सिविक का कौन सा ईयर का मॉडल है एग्जैक्टली, पीछे ऑलरेडी आपका ये अवेलेबल है, कैमरा भी अवेलेबल है, साथ साथ रियर पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल। कौन सा ईयर का है ये मुझे पता नहीं, तो अगर आपको जानना है तो आप कॉल कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये है निसान का पूरा SUV, एकदम काफ़ी अच्छी तरह से इसको रखा गया है। गाड़ी भी देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक है, अंदर आपको दिख रहा है या नहीं। साथ ही साथ
अगर हर गाड़ी के बारे में आपको डिटेल्स जानना होगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एग्जैक्टली ओवरऑल एक दिखाता हूँ। ये टेरेनो एक्सेल है निसान का, ये महिंद्रा का बोलेरो जो कि कमर्शियल यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ पर्सनल यूज़ अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, गाड़ी में एनफ स्पेस पे। इंडियन मार्केट में अभी बोलेरो का नया मॉडल भी अवेलेबल है, मगर ये मॉडल भी काफ़ी डिमांड में है क्योंकि इसमें एक साथ आपका बहुत जन को आप ले जा सकते हैं। ऑल टाइम फेवरेट कार है, इतना रफ एंड टफ जो गाड़ी है इसका, जो मतलब महिंद्रा का जो मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ गाड़ी इतना रफ एंड टफ है, क्या बोले आपको। हर कोई कभी ना कभी बोलेरो में एक बार बैठा है तो सबको पता ही होगा लगभग। अगर नहीं पता है तो गाड़ी खरीद सकते हैं ये वाला, फिर आपको पता चल जाएगा। i20 का पुराना मॉडल, रूफ जो है वो ब्लैक किया हुआ है, और साथ ही साथ एलॉयज भी डाला हुआ है। गाड़ी काफ़ी मॉडिफाइड है, रूफ आपका ब्लैक किया गया है, साथ ही साथ एलॉयज डाला हुआ है, ऊपर से ड्रम जो है उसको रेट किया गया है, तो जिसने भी इसको चलाया होगा उसने काफ़ी मॉडिफिकेशन किया होगा उस टाइम में। i20 के बाद आते हैं ऑल टाइम फेवरेट स्विफ्ट डिज़ायर, बाहर से ही आप देख सकते हैं गाड़ी कितने अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखना चाहते हैं तो दूसरा जो है ये है स्कोडा, स्कोडा का ये कौन सा मॉडल है, क्या है नहीं है, डिटेल्स आपको देखते हैं। गाड़ी बहुत ही मतलब स्कोडा का अगर आप ड्राइविंग कंफर्ट देखते हैं या फिर बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो इंडियन मार्केट में बहुत कम गाड़ी है जो इस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। स्कोडा का बिल्ड क्वालिटी या फिर कंफर्ट जो है बहुत ही अच्छा है, बॉडी रोल लगभग ना के बराबर है। ये स्कोडा का ऑरा है, तो इंडियन मार्केट में स्कोडा का बहुत सारा मॉडल्स अवेलेबल है, उसमें ये तो स्कोडा का ऑरा है। इसमें ऑलरेडी आपका फैक्ट्री फिटेड अलॉय आता है, गाड़ी को काफ़ी प्यार से रखा गया है क्योंकि इसका बम्पर या फिर ऐसा देखिए कहीं कहीं होता है कोई नट लगा देता है या ये सब नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत जो स्क्रैच है इससे पता चलता है कि रंग जो है वो जेन्युइन है और पूरा नया है और इसको कोई रीपेंटेड ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखिए यहाँ प्रोजेक्टर भी मिलता है आपका, साथ ही साथ नीचे भी आपका हैलोजन लैंप्स अवेलेबल है। इस साइड में देखे तो एक और फिगो, हम लोग एक और फिगो इस साइड में देखे थे पूरा ब्लैक कलर का, ये थोड़ा ब्लैक नहीं है एग्जैक्टली, इसको क्या कहते हैं ऐश या फिर डार्क ऐश कलर का फिगो, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव गाड़ी है। इसमें अलॉयज डाला हुआ है, ये चेंज किया है आफ्टर मार्केट, मगर फिर भी जिसका भी गाड़ी है उसने बहुत मॉडिफिकेशन किया। आई थिंक टायर साइज़ भी शायद चेंज किया गया है, इकोहमा का टायर डाला हुआ है जो कि काफ़ी रिनोन्ड ब्रांड है। गाड़ी का कंडीशन आप एक बार पूरा देख लीजिए, और उसके बाद आते हैं ये है i10 जिसका अभी काम चल रहा है। ये i10 का फर्स्ट जनरेशन है इंडियन मार्केट में, बहुत ऐड हुआ था स्पोर्ट्स एडिशन है, तो इसमें ये जो लगा हुआ है एग्जैक्टली ये पॉलिशिंग का काम चल रहा है, पूरा गाड़ी का पॉलिशिंग हो रहा है। स्टॉक रिम है इसमें, साथ ही साथ कुछ अपग्रेड नहीं है टायर में, मगर गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसका पॉलिशिंग का जो काम है वो अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत टचअप भी किया जा रहा है कहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ कि अभी यहाँ क्या क्या कार कैसल में अभी क्या क्या कार अवेलेबल है। इसके अलावा भी एक और मतलब लोकेशन है न्यू टाउन में जहाँ कार कैसल का प्रेजेंस है, उस लोकेशन में भी हम लोग जाएंगे आपको दिखाएंगे। अभी आपके लिए जो ये कार दिख रहे हैं ये सारा कार अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी कार में आप इंटरेस्टेड है सेकेंड हैंड कार में जो कि आपको कम प्राइस में मिल जाए
और आप अपना ड्रीम कार लेना चाह रहे हैं तो आप कार कैसल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट टाइम आते हैं। नेक्स्ट टाइम आके आपको कोई एक और वीडियो लेके जिसमें आपको दिखाएंगे कार रिलेटेड ही कितना और क्या क्या कहाँ हो रहा है। मैं अतनु कोलकाता से, आज मैं हूँ कार कैसल में जो कि है न्यू टाउन में। अगर आपको अपना सेकेंड हैंड ड्रीम कार चाहिए जो प्री ओन्ड है तो आप यहाँ ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर। मैं फिर से आ जाऊँगा कोई नया वीडियो लेकर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।